I know Itusa. You know? Itusa. Itusa. थोड़ा सा. Itusa word. I know Itusa. That word. तो अगर किसी इंडियन को अभी अगर रशिया आना है, शिफ्ट होना है, क्या सेटिंग है, मतलब क्या चीज हो सकता है शादी करने के अलावा? शादी करने के अलावा तो गाइस आज हम करने वाले हैं सेंट पीटर्सबर्ग का सिटी टूर। तो सबसे पहले आप सभी लोग का दिल से स्वागत करता हूँ। हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल केम छो जय जिनेंद्र एंड वनकम। इस वक्त हम उतर गए हैं गोस्टिनिव मेट्रो स्टेशन, जो कि महज एक मेट्रो स्टेशन दूर था ग्रीन लाइन में, और 70 रूबल लगा उसकी टिकट। पहुंच गए यहाँ पे, यहाँ से बस 5 मिनट भाई वॉक ही है सबसे मेन इंपॉर्टेंट चर्च, फिर वहां से हम हेरिटेज म्यूजियम, जो पिछली बार मैंने कवर नहीं किया था, वो सारी चीजें कवर करने की भी हम कोशिश करेंगे। तो बने रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। ये देखो ये नदी जम गई है, नेवा रिवर, एकमात्र रिवर है पूरे सेंट पीटर्सबर्ग में, इधर उधर उधर इधर जाती रहती है। देखो कैसे जम गई है ना। ये क्या चल रहा है भाई इधर? जोरदार है भाई। वैसे ये बिल्डिंग मेरे को बहुत प्यारी लगती है सेंट पीटर्सबर्ग में। ऐसे तो सेंट पीटर्सबर्ग में सारी बिल्डिंग लाइन सर आप देखोगे ना, सब प्यारी ही है, एकदम अनोखा कंस्ट्रक्शन है, अनोखे कलर कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये बिल्डिंग सच में कमाल की है ना। सो ये रही फेमस चर्च ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग, जिसका नाम है सेवियर ऑफ द ब्लड स्पिल्ड। नाम थोड़ा सा अजीब है लेकिन है बड़ा ही प्यारा, आई मीन कलर कॉम्बिनेशन, स्ट्रक्चर मस्त लगता है। इसे आप चर्च के अंदर भी जा सकते हो, बाहर ही आपको टिकट काउंटर्स मिल जाएंगे। पर अडल्ट 450 रुपये के आसपास टिकट फी है। पिछली बार जब मैं आया था ना, तब मैं अंदर गया था, बहुत ही बेहतरीन सा अंदर व्यू मिलेगा, आर्किटेक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर कलर कॉम्बिनेशन सारी कुछ मिलेगी। पिछली बार के मैं फोटोज लगा देता हूँ ताकि क्या आपको भी आइडिया आ जाए, एक बार अंदर जरूर जाना चाहिए। फिलहाल हम दूसरी जगह जाते। तो आप मेरे ठीक पीछे देख पा रहे हैं हर्मिटेज पैलेस, ग्रीन कलर की बिल्डिंग, बड़ी प्यारी है, म्यूजियम कह सकते हो, पैलेस कह सकते हो, या फिर विंटर पैलेस भी है इसका नाम, समर पैलेस है वो अलग है, ये है विंटर पैलेस जो कि बहुत ही फेमस है। इनफैक्ट ये आपका ग्राउंड है, फाउंटेन्स वगैरह भी होते हैं लेकिन समर के टाइम होते हैं, और विंटर में तो अभी क्या ही फाउंटेन चला है, बर्फ बर्फ बन जाएगा है ना। तो यहाँ पे भी वही एंट्री फी वाला सिस्टम है, हालांकि यहाँ पे दो लाइन लगती है, एक तो ये लाइन है, बहुत धीरे धीरे ये लोग अंदर भेज रहे मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन ये लाइन किसके लिए, जिसके पास ऑलरेडी टिकट्स है, और वो रही एक और लाइन जो और ज़्यादा बड़ी है उससे, मेरे हिसाब से बहुत लंबी है, डबल ट्रिपल है वो, अगर जिसके पास टिकट नहीं है और यहाँ से लेना है, वो वाला सीन है। और सच कह रहा हूँ, मतलब ये अगर लाइन है ना, अगर मैं खड़ा रह गया तो कम से कम 1.25 घंटा जाएगा, बिकॉज एक तो बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स को छोड़ रहे हैं अंदर, और देख लो मतलब हिल भी नहीं रही है पब्लिक, ऐसी की ऐसी खड़ी है, और भी इतनी ठंड है। 500 रुपये ही है, हालांकि ज़्यादा कोई चार्ज है नहीं अंदर का। ओ भाई मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, मुरमांग से ज़्यादा ठंडी लग रही है, हालांकि टेम्परेचर में तो बहुत ही फर्क है, मुरमांग में ज़्यादा टेम्परेचर कम था, यहाँ पे इतना कम नहीं है, लेकिन पता नहीं सेंट पीटर्सबर्ग की ठंड है ना ऐसा छूप रही है,
मैं इसे लाइन में खड़ा हो नहीं जा रहा था, मैं सोचा कि बाहर निकलता हूँ, जाता हूँ यहाँ से 1 किलोमीटर दूर ही है नमस्ते इंडियन रेस्टोरेंट है, वहाँ पे लंच भी हो जाएगा। और अंचित भाई दिल्ली में ही रहते हैं इनफैक्ट, तो वो फिलहाल लेकिन अभी सेंट पीटर्सबर्ग शिफ्ट हो गए, इनफैक्ट शादी भी उन्होंने एक रशियन से की है, तो वो सेटल हो गए बेसिकली, दिल्ली का लौंडा सेटल हो गया आप ये कह सकते हो रशिया में। तो उनसे मुलाकात करते है ना, रेस्टोरेंट में मुलाकात करते। तो भैया हम तो आ गए थे नमस्ते रेस्टोरेंट में, सूप वूप दबा लिया क्योंकि भूख लगी थी, फिर ये आ गए हमारी भाभी जी एनेस्थेसिया जी। हाय एनेस्थेसिया जी, हिंदी क्यों नहीं सीखी? सेम ईयर बट हिंदी क्यों नहीं सीखी? यू शुड लर्न हिंदी। अरे हाँ, रशियन रशियंस को इतनी अच्छी इंग्लिश आती है वही बड़ी बात है, दैट्स अ बिग थिंग यू नो, टू इवन नो इंग्लिश आल्सो। You know? इतुसा, 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 थोड़ा सा word, I know अच्छा. इतुसा, that word. इतुसा आता है बस. बिल्कुल. हाँ, बिल्कुल. बिल्कुल. हाँ. Let me, मैं तुमसे प्यार करती हूँ. Oh. Obviously. कोई दिक्कत नहीं. कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत. My God. कोई दिक्कत या कोई दिक्कत नहीं है। और ये आ गए समोसे, हैव यू एवर ट्राइड दिस? आई ट्राइड बट अ लिटिल बिट डिफरेंट एंड अ लिटिल बिट ओनली बिकॉज़ व्हेन आई वेंट टू इंडिया आई वाज ऑन द रॉ फूड ओनली, आई वाज ईटिंग ओनली रॉ फूड। अंचित भाई मिलने गए अपने दोस्त यारों से क्योंकि रेस्टोरेंट में ही उनके फ्रेंड्स काम करते हैं, तो वो अंदर गए हैं, तब तक मैं सोचा कि भाभी से मुलाकात करवा लेता हूँ। ये भाई आ गए अंचित भाई, मिल लिए दोस्तों से? बिल्कुल भाई, बिल्कुल। कुछ नहीं यार, मैंने यहाँ पे काम किया था पहले जब मैं स्टार्टिंग में आया था। कौन से ईयर में आए थे आप? इन विच ईयर आई केम हियर? 2000। यू केम सेवरल टाइम्स? नहीं नहीं, अरे शिफ्ट। अच्छा, तो मैं भी तो 2021 में ही तो मिला था, जून से उसी टाइम आए थे। उसी टाइम में आया था जब मेरी वो स्टार्टिंग थी काम करने की। अच्छा, उसके पहले नहीं आए थे रशिया? उससे पहले आया था मैं, लेकिन फिर मेरे को वापस जाना पड़ा था। ओ, फिर 2022 में शादी की? 22 में शादी की। हाँ, तो नागरिकता मिल गई आपकी? नागरिकता। अरे वाह, और एक डॉटर है ना अभी तो? हाँ, अभी एक डॉटर। कितने साल की है वो? ऑलमोस्ट 3.5। 3.5 ईयर की डॉटर, और 2022 में शादी हुई? बिल्कुल। बहुत जोरदार है ये तो। अपना एक पूरी बॉलीवुड मूवी बनाएंगे। तो आप लोग कितने साल से जानते हो? लाइक इट्स ऑलमोस्ट 5.5। 5.5 इयर्स। घर पे झगड़ा होगा अभी? हाँ, ठीक है, सही जवाब। मेरे को लगा अभी झगड़ा होगा करते, क्योंकि अपन बॉयज लोग भूल जाते हैं, पता है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मेरे को अभी तू एग्जैक्ट पूछा गया था कि तुम्हारी शादी कब हुई, कौन सी तारीख हुई, मैं तारीख नहीं बता पाऊंगा। मैं बोला कि घर पे अभी झगड़ा होगा, ये बोले कि क्या 5:30 थोड़ी हुआ, 6:45 हुआ है। बिल्कुल होने के चांस है, बिल्कुल होने के चांस। सफेद का फंडा ही गया। कोरिएंडर, कोरिएंडर चटनी। बड़ा बाइट लिया, छोटा बाइट करते करते हाँ बड़ा टेक दिया। कह रहे थे छोटा बाइट ही लूंगी, छोटा बाइट ही लूंगी, थोड़ा ही करूंगी टेस्ट, पूरा टेक दिया बड़ा वाला। इधर रेंट वगैरह का क्या सीन है, कितना रेंट हो जाता है? रेंट डिपेंड करता है आपका साइज ऑफ फ्लैट क्या है, कितने रूम्स है। जैसे 1 BHK का? 1 BHK अगर जाएंगे तो यहाँ पे अराउंड 15,000 है। 15,000 रूबल में हो जाता है काम? बहुत सस्ता है यार सेंट पीटर्सबर्ग में, सच कह रहा हूँ। 15,000 रूबल तो ये है, रेंट हो गया। हाँ, लेकिन एक यहाँ पे कम्युनल का बोलते हैं, जिसे जैसे कि जो सराउंडिंग्स होती है ठीक है, उनको मिला के उनका भी अलग से पेमेंट होता है, तो 3,000-4,000 उसका भी आता है। मतलब मेंटेनेंस बिल वगैरह तो अराउंड लगा लो आपको 20,000 का पड़ जाएगा 1 BHK। हाँ, 1 BHK। अब जैसे मैं रहता हूँ, मेरे घर में तीन कमरे हैं ठीक है, किचन है, और तो मैं अराउंड लगा लो 45,000 पर मंथ पे करता हूँ, और उसमें लगा लो 10,000 कमरा का। अच्छा, अराउंड 55,000 बराबर। मतलब मुंबई से ज्यादा महंगा नहीं है, मुंबई से तो सस्ता है थोड़ा, लेकिन यहाँ पे बस एवरेज सैलरी का इशू होता है, यहाँ पे एवरेज सैलरी इतनी नहीं है। नहीं है, मैं तो सुना हूँ कि लाइक 60,000 रूबल्स। नहीं, एवरेज सैलरी इतनी नहीं होती।
कितनी एवरेज सैलरी कम है, सैलरी लगा लो यहाँ पे अगर एक नॉर्मल कोई बंदा जॉब कर रहा है तो इसकी अराउंड 40 to 50,000 स्टार्टिंग। अच्छा 40-50,000 से स्टार्ट हो जाती है ना, अच्छी बात है। तो मुंबई से ज्यादा है, महंगाई भी तो ज्यादा है इधर, महंगाई भी तो ज्यादा है, महंगाई भी ज्यादा। दूसरी चीजें खाने पीने की चीजें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही ले लो, अपने मुंबई में 5-10 रुपए में ट्रेन यहाँ से वहाँ छोड़ देती है और यहाँ पे 70 रूबल लगाती है वन वे का मेट्रो, तो जाहिर सी बात है पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह काफी कॉस्टली है यहाँ पे। वही है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है तो इस हिसाब से थोड़ी चीजें महंगी है, सैलरी कम है, सैलरी कम है। तो अगर किसी इंडियन को अभी अगर रशिया आना है, शिफ्ट होना है, क्या सेटिंग है, मतलब क्या चीज हो सकता है शादी करने के अलावा? शादी करने के अलावा अगर किसी भी इंडियन को शिफ्ट होना है ना, तो भाई सबसे पहले एक चीज है कि लैंग्वेज, अगर आपको लैंग्वेज आती है तो आ जाओ यहाँ पे, जॉब मिल जाएगी। अच्छा, लेकिन अगर लैंग्वेज नहीं आती तो भाई बहुत 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 दिक्कत होगी, फिर तो आओ ही मत, सोचो ही मत, सोचो ही मत, सोचो ही मत। लेकिन क्या सही टाइम है? आज अपनी इंडिया की इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग है, मतलब ग्रो हो रही है, तो क्या अच्छी बात है क्या कि इंडिया को छोड़ के यहाँ पे आना और वर्क करना? यहाँ पे आना बेवकूफी, बेवकूफी है ना, बेवकूफी। हाँ। मैं कहता हूँ अगर आते हो तो आप जाओ किसी भी, यहाँ पे आप डॉलर कमा सकते, डॉलर कमा सकते, क्योंकि मैं यहाँ पे, जब मैं यहाँ पे आया था, मैंने रेस्टोरेंट में, इसी रेस्टोरेंट में एज अ वेटर काम किया था। अच्छा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे बंदे देखता था जो बंदे आए वर्किंग वीजा पे आए, ठीक है, और कुछ भी काम उनको लैंग्वेज यहाँ तक इंग्लिश तक नहीं आती, बहुत तकलीफ हुई रहेगी, इंग्लिश तक नहीं आती, तो मैंने कहा भाई क्या सोच के आए, क्या सोच के आए, हाँ आते थे यहाँ पे फिर वही काम करते हैं, ये छोटे मोटे काम, छोटे मोटे, ना उनका फिर घर चलता है ना कुछ चलता है, जो वहाँ से कर्जा लेके आए थे वो भी, और ऊपर से प्लेन में आने जाने का वो उल्टा माइनस में ही गए, माइनस में जाते, क्या मतलब फिर आके इंडिया में आप एक अपनापन फील कर सकते हैं, आप कहीं पे भी जाओ, कहीं पे भी जाओ आपको ना कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा, यहाँ पे आप रहते हो, ठीक है, जब मैं पहले आया था जिस बिल्डिंग में हम रहते थे, ये लोग वहाँ पे मेरे ख्याल से 3-4 साल से रहते थे, 3-4 साल के अंदर इनको शायद इनके नेबर्स भी नहीं पता, पड़ोसी भी नहीं जानते, लेकिन जब से मैं आया, ठीक है, तो वाइफ मेरी बोलती है कि तूने इसको पूरा एक दिल्ली बना दिया, बिकॉज हम घुल मिल जाते हैं ना यार, हर कोई जानता है, हर कोई पहचानता है कि वो है, ये इंडिया से है, और हमारी बातचीत बोलने का तरीका ऐसा होता है, तो यहाँ पे वो चीज आप मिस करते हो, मिस करते हो। सेवियर ऑफ द स्पिरिट ब्लड, ओके, यहाँ पे अपना सलमान खान आया था, वो शूटिंग करने कौन से, अब ये टाइगर जिंदा है थ्री, टाइगर थ्री में, ओहो कटरीना कैफ वगैरह आए थे, कटरीना कैफ, ये बाहर के रोड पे हुआ था शूटिंग, बिल्कुल ये रोड था इनका, ये जो कैनाल सा है, कैनाल के ऊपर जो ब्रिज है उसपे बाइक चलाई थी, कुछ स्टंट कर रहे थे, सही है यार, क्या हो गया ये तो, ये क्या हो गया, अभी अच्छा लग रहा है, अभी इतना ठंड नहीं लग रहा है बिकॉज हवा नहीं है। हाँ। भाई थोड़े टाइम पहले, मतलब जब नहीं मिले थे ना, मैं उधर था हर्मिटेज म्यूजियम वगैरह, लाइन में खड़ा नहीं हो पा रहा था, बोला 500 रूबल की टिकट है जाते अंदर, पिछली बार भी आया था, सिर्फ यही मिस हो गया था मेरे से, अंदर गया लाइन में खड़ा हो, मैं तो बोला कब नंबर आएगा, मारो गोली, में बोला निकलता हूँ इधर से, बाहर से शूट वूट कर लेता हूँ, निकल जाता हूँ, अंदर जाने की इच्छा थी मेरे को, देखना था अंदर का, इधर ये होता ना क्या कहते हैं, हवा चलती है ना, जब तो हवा ऐसी होती है कि भाई इधर से घुसती है पीछे से निकलती है, ठीक है, लेकिन जब हवा नहीं चलती ना, जब मजा आता है इस वजह यार, यहाँ पे ये सब काका वाका बहुत देखने मिल जाते हैं, मतलब ऐसे सब स्टेच्यूज वगैरह ना, और सब मेटल के, कौन से धातु से बने हुए रहते हैं, मतलब I think it's made from copper. Copper के है ना सब, हाँ, this one, which Kazansky temple or church? It's temple. Temple? Yeah, but Catholic practices, right? No, Orthodox. Orthodox. अच्छा Orthodox अलग होते हैं Catholic से? Orthodox और Catholic दोनों अलग अलग Christian हैं ना? दोनों Christian ही हैं, लेकिन अलग अलग होते हैं। एक जीसस को मानते हैं और एक जीसस के पापा को मानते हैं और एक जीसस के पापा को मानते हैं। ओ तेरी, सही है। उनके चर्च भी अलग होते हैं, कैथोलिक हो गया और ऑर्थोडॉक्स चर्च हो गया, दोनों अलग। अच्छा अच्छा, ऐसा मैं वीडियो ले रहा हूँ कहीं पे आके, अब आप बोलोगे कौन सी जगह पे है ये, ऐसे है ना, ये तो कुछ नहीं है, मैं बाहर जाके भी बताता हूँ कितना बेहतरीन सा इसकी एंट्री था। ये एक फार्मेसी शॉप है सेंट पीटर्सबर्ग का, नॉर्मल फार्मेसी शॉप, और हम क्यों आए फार्मेसी शॉप ये लेने, बेसिकली क्या है ना, मेरे शूज अगर गीले हो गए ना तो फिर इसको सूखने में बहुत टाइम जाएगा, और जो बर्फबारी हो रही है और जो धीरे धीरे गीला हो रहा है ना वुडलैंड का शूज, सच कह रहा हूँ हालत खराब हो जाएगी। एनीवेज, लेकिन आप बाहर का देख लो इसका एंट्री कैसा था, ये देखो पित्तल का पूरा हीटर है, सही है यार, सेंट पीटर्सबर्ग को इसलिए आर्ट ऑफ सिटी, सिटी ऑफ आर्ट बोला जाता है, मतलब हर जगह आपको आर्ट ही आर्ट मिलेगा,
चाहे बाहर हो बिल्डिंग के या बिल्डिंग के अंदर। No, what is the shop all about? It's a shop of Yeliseyevsky, it's from English, Hindi, name. Hindi chalega, English chalega. It's a surname. Of, surname? Yeah. Acha. Wines. Wines बाहर से तो मेरे को खिलौने की दुकान लगी। I thought it's a toy store from outside. Tree in the center. Yeah, tree in the center and interiors. क्या बोलते हैं? Roof top पे, ceiling पे. Ceiling पे. हाँ, ceiling पे क्या यार बना है? हाँ यार सच कह रहा हूँ, जोरदार है मतलब. Thank you so much. Bye 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 bye. Nice to meet you. Same here. Bye. अच्छी अच्छी चीजें बता दिया लास्ट में, वो फार्मेसी बता दी, मेरा काम हो गया, फिर वो बता दिया, कौन सा है वो कैफे बता दिया। तो लो जी, दोपहर को हम निकले थे हॉस्टल से घूमने फिरने मौज करने, और हो गई अब शाम, शाम के बज गए 7:30, और वेदर देख लो, जो बर्फबारी शुरू हुई ना दोपहर से, अब तक थमने का नाम नहीं ले रही है, चलती जा रही है बर्फ। एनीवेज एनेस्थेसिया जी यानी कि इनकी धर्म पत्नी को हमने कह दिया अलविदा, उनको कुछ योगा क्लासेस का काम वाम शुरू हो गए, लेकिन अंशित भाई को मैंने अलविदा नहीं करा है, बिकॉज हम अभी और भी घूमेंगे फिरेंगे मौज करेंगे, आई मीन सेंट पीटर्सबर्ग की नाइट लाइफ देखेंगे, है ना। कैसी होगी सेंट पीटर्सबर्ग की नाइट लाइफ ठंड में? बढ़िया होगी, वो तो अभी नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। ओए होए होए, ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, शुरुआत में तो हमने थोड़े बहुत अट्रैक्शन देख लिए, बाहर से कलरफुल लग रहा था एकदम, और अभी तो वाइटी वाइटी हो गया एकदम, है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, लव यू ऑल, बाय बाय।